हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जो नया एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, जिसको हम बोलते हैं एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो उसके बारे में मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि ये एनआरए क्या है और क्या बेनिफिट्स आपको होने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या अगर आप रेलवेज की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आप मेरी बात को ध्यान से सुने, समझे इस पूरे प्रकरण को कि क्या हुआ है, क्या चेंजेस हुए हैं और ये कब से इंप्लीमेंट होने वाला है। सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनियन बजट 2020 में ये प्रपोज किया गया था कि एक कॉमन फॉर्मेट लाया जाए एग्जामिनेशंस का, क्योंकि भारत में करीब 20 ऐसी एजेंसीज हैं, अलग अलग एजेंसीज हैं। देखिए, एसएससी अलग पेपर ले रहा है, आईबीपीएस अलग पेपर ले रहा है, एसबीआई अलग पेपर ले रहा है, तो बहुत सारी 20 डिफरेंट एजेंसीज हैं जो आज की डेट में भारत के अंदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन ले रही हैं। इसकी जो जो प्रॉब्लम आती है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को, जो प्रॉब्लम आती है वो आती है, एक तो बहुत सारे फॉर्म्स आपको भरने पड़ते हैं, अलग अलग जगह पे फीस देनी पड़ती है, फिर अलग अलग जगह पे सेंटर्स पड़ते हैं, बहुत भागना और दौड़ना पड़ता है इस काम के लिए। तो गवर्नमेंट ने अब चीज़ों को बहुत सिंपल बना दिया। आप समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चेंजेस हैं। सबसे पहले ये चेंजेस जो हैं वो एसएससी, बैंकिंग और रेलवेज के लिए एप्लीकेबल है अभी के लिए, और अभी कोई और एग्जाम इसमें कवर नहीं हो रहा है। अब जो एनआरए है, जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, वो साल में 2 बार एक पेपर कंडक्ट करेगी, जिसको हम बोलेंगे सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब ये एक तरह का फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म हो गया, लेकिन ये इज आउट कर देगा सारे प्रोसेस आपके लिए। जो सीईटी होगा, इसमें एक तो कॉमन करिकुलम चलेगा। कॉमन करिकुलम मतलब ये कि अगर आप ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट को देख रहे हो, यानी ग्रुप बी की पोस्ट को आप देख रहे हो, तो आपका कॉमन एंट्रेंस होगा। आप चाहे आपका एम रेलवेज में जाना हो, चाहे एसएससी में जाना हो, चाहे आपका एम बैंकिंग में जाने का हो, आपका पेपर सेम लेवल का होगा, सेम सिलेबस होगा, सेम पैरामीटर में होगा, क्योंकि आप ग्रेजुएट हैं। अब इसी तरह से जब 10+2 का पेपर आप देते हैं, ग्रुप सी के लिए देते हैं, सीएचएसएल के लिए देते हैं जब आप पेपर, तो उसका स्टैंडर्ड उसके हिसाब से बनाया जाएगा। जब आप 10th लेवल के एग्जाम देते हैं, जब आप 10th लेवल की जॉब्स को देखते हैं, एमटीएस लेवल की जॉब्स को देखते हैं जब आप, तो उसके लेवल का पेपर बनेगा। तो यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, एज ए ग्रेजुएट आप फॉर्म भरेंगे तो आपसे ग्रेजुएट लेवल का पेपर लिया जाएगा, आप 10+2 भरेंगे तो 10+2 का लेवल लिया जाएगा। इस तरह से आपका ये लेवल्स तैयार हो जाएंगे। अब बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि एक तो सेपरेट एग्जाम नहीं होने वाला, आपका एक एग्जाम देंगे। अब मानते हैं सीईटी आपने अपियर किया, सीईटी आपने क्रॉस कर लिया, तो अब आगे का नेक्स्ट स्टेप होगा। पहली बार जब सीईटी आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट, जब जो भी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया सेट होगा, वो आप थ्रेशोल्ड को अगर पास कर लेते हो, तो ये जो स्कोर आपको मिलेगा, ये स्कोर वैलिड होगा भारत में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए, यूनियन टेरिटरी की जॉब्स के लिए, और अगर कोई प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग है उसकी जॉब्स के लिए, इनफैक्ट सॉरी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जॉब्स के लिए, और इनफैक्ट ये स्कोर आगे चल के प्राइवेट सेक्टर के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। वहाँ पे भी आपको मदद मिलेगी जॉब्स को ढूंढने के लिए। तो आपको एक तो अलग अलग अब एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, अलग अलग फीस नहीं भरनी पड़ेगी, ज्यादा लोकेशन में ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। तो आप एक पेपर को देंगे, उसको पास करेंगे, और वो स्कोर आपको 3 साल के लिए मिल गया। 3 साल के लिए स्कोर आपके पास अवेलेबल है। अब 3 साल के अंदर आप क्या कर सकते हो? अब सपोज आप रेलवे को ट्राई करना चाहते हो, आप रेलवे का पेपर दो। आप बैंकिंग को ट्राई करना चाहते हो, बैंकिंग का पेपर दो। आप एसएससी को ट्राई करना चाहते हो, एसएससी का पेपर दो। फर्दर अब क्या होगा, जैसे सीईटी क्रॉस किया आपने, आपका लेवल 2 एग्जाम होगा। अब लेवल 2 एग्जाम रिस्पेक्टिव एजेंसी लेगी, यानी कि अब एसएससी के लिए अगर आप दे रहे हो तो एसएससी का लेवल 2 होगा, रिस्पेक्टिव जो भी एजेंसी होगी एसएससी की, वो आपका पेपर लेगी, ऐसे बैंकिंग का लेगी। अगर आपके बैंकिंग में इंटरव्यू है, जैसे पीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इंटरव्यू लाइंड अप होता है, तो इंटरव्यू भी आपका किया जाएगा। तो आपका जो टीयर 1 है वो अब कॉमन हो गया है, उसके लिए आपको अलग 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 नहीं पढ़ना है। टीयर 1 आपका कॉमन हो गया, एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, वो टीयर 1 का स्कोर आपने एक बार वो टीयर 1 क्रॉस करना है, और अब वो आपका स्कोर 3 साल के लिए वैलिड हो गया। पहले ये बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि हम टीयर 1 क्रॉस कर लेते थे स्टूडेंट्स, और टीयर 2 बाई चांस नहीं हुआ तो फिर से दोबारा से सारा कुछ शुरू करना पड़ता था। तो यहाँ पे अब आपका टीयर 1 एक बार आपने क्रॉस कर लिया, तो 3 साल के लिए आप निश्चिंत हो जाइए, और अगले 3 साल के अंदर जो भी आपका लेवल 2 का जो करिकुलम होगा, और जो लेवल 2 के लिए प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी, वो आप करेंगे, उसको पास करेंगे, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सीईटी जो है वो साल में 2 बार कंडक्ट किया जाएगा, सारा का सारा
ऑनलाइन होगा, कुछ भी इसमें ऑफलाइन कुछ नहीं होगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा। आपका जो एडमिशन का फॉर्म का जो पूरा प्रोसेस होगा, रिक्रूटमेंट का होगा, फॉर्म होगा, एडमिट कार्ड होगा, आपके मार्क्स आएंगे, मेरिट लिस्ट बनेगी, सब कुछ ऑनलाइन होगा। तो आपको बेसिकली घर से कहीं मूव नहीं करना है, किसी बैंक का चक्कर नहीं काटना है, कोई फिजिकल फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। ऑनलाइन ही आपको फॉर्म भरना है, सब कुछ ऑनलाइन ही आपको यहाँ पे करना है। चलिए इसके अलावा ये डिस्कस करते हैं कि ये कितनी लैंग्वेजेस में होगा। अब इसमें ये भी एक बेनिफिट आपको मिल रहा है कि ये अभी जो है ये 17-18 लैंग्वेजेस में अनेबल हो गया है, और ये इनफैक्ट सारी लैंग्वेजेस में अनेबल हो जाएगा। तो उसका ये फायदा होगा कि जितनी भी भारत में लैंग्वेजेस हैं वो सारी ही लैंग्वेजेस में ये टेस्ट आपको अवेल हो जाएगा। तो एडवांटेज ये भी मिलेगी कि अगर लोकल लेवल पे स्टूडेंट अपना एग्ज़ाम अपनी लैंग्वेज में देना चाहता है तो वो उसको फैसिलिटी बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगी। रिक्रूटमेंट इसमें आसान हो जाएगा। और क्या फ़ायदा मिलेगा, देखिए एक तो एजेंसीज बहुत सारी हैं तो उसमें बहुत सारी मैन पावर भी यूज़ होती है और बहुत सारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है और बहुत मल्टीपल चीज़ें होती हैं, तो सब स्क्वीज आउट होके एक ही जगह पे कंसंट्रेट हो जाएगा, एक ही सेंट्रल एक्टिविटी के ऊपर चला जाएगा सारा कुछ। दूसरी बात ये कि आपका एज वाला भी यहाँ पे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट मीन्स कि अगर हम ये बात करें कि आपने एक बार दे दिया तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सपोज आपकी आप ग्रेजुएट लेवल की जॉब भर रहे हो और आपका जो अपर लिमिट है वो 30 ईयर्स का अपर लिमिट है, तो 30 ईयर्स तक की जब तक एलिजिबिलिटी आपकी है आप इसको रीअटेम्प्ट दे सकते हो। 3 साल में आपका स्कोर इनवैलिड हो गया, आप दोबारा भर दीजिए, अब दोबारा वो 3 साल के लिए वैलिड हो जाएगा। तो जब तक आपकी एज लिमिट है आप इसको बार बार अपीयर कर सकते हो। ठीक, अब जो पेपर का जो पैटर्न होगा वो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कोई इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर को फेस नहीं करना पड़ेगा, ये मल्टीपल चॉइस जो है क्वेश्चंस ये बनेगा आपका सारा का सारा। और जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नॉर्म्स हैं कि अपर लिमिट रिलैक्सेशन जो होता है, जैसे SC ST OBC कैटेगरीज में जो फिजिकली हैंडीकैप जो रिस्पेक्टिव कैटेगरीज के अंदर आज की डेट में जो गैजेट के हिसाब से जो रिलैक्सेशन दी गई हैं अपर लिमिट की, वो बिल्कुल जारी रहेंगी। तो ऐसा भी नहीं कि उसमें कोई डिस्टर्बेंस होगा, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। तो ये एक अच्छा कदम मैं मानता हूँ कि आपको एक अच्छा कदम लिया जा रहा है। एक तो मल्टीपल जगह नहीं भागना आपको, सेंट्रलाइज स्पेस पे सब कुछ हो रहा है, टीयर वन सबके लिए कॉमन हो जाएगा। 3 साल तक आप निश्चिंत हो जाइए, टीयर वन आप क्लियर कर चुके हैं, सिर्फ फोकस करिए, आप बिल्कुल लेजर फोकस जाइए अपने टीयर टू के लिए और प्रिपेयर करिए। ये जो सारी चेंजेस हैं ये नेक्स्ट ईयर से होंगे, यानी 2021 जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा ये उसके बाद से अपीयर होंगे। अभी जो भी करंट सिचुएशन चल रही है वो उसी हिसाब से चलती रहेगी जैसे भी हो रहा है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिला होगा इस पर्टिकुलर वीडियो से, इस पूरे वीडियो से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर एजेंसी को लेके, इस पर्टिकुलर चेंज को लेके, कुछ और आप जानना चाहते हो तो आप प्लीज़ इसमें टाइप करो मैसेज में नीचे, ताकि फिर हम एक और इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं और आपको और इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गया होगा इस पर्टिकुलर वीडियो से। आई होप आप बिल्कुल अपनी तैयारी पे फोकस रहिए, अगर इस साल आप प्रिपेयर करें तो बिल्कुल आप बिल्कुल तैयारी करिए, कुछ उसमें आपको भी चेंजेस नहीं होंगे। सो थैंक यू वेरी मच, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू से, आई होप आप बिल्कुल अपनी तैयारी पे फोकस रहिए, अगर इस साल आप प्रिपेयर करें तो बिल्कुल आप बिल्कुल तैयारी करिए, कुछ उसमें आपको भी चेंजेस नहीं होंगे। सो थैंक यू वेरी मच, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।